सो गाइस बारिश के बाद तो क्या गजब का मौसम खुला है, धूप निकल आई है हल्की हल्की सी और बहुत बहुत सुंदर मौसम हो गया है। सामने नीला आसमान भी दिखने लगा और एक ग्रीनरी तो यार जानलेवा है, बहुत खतरनाक। और ये जो जगह थी ना पादरी पास, वो इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से कुछ ज़्यादा, मतलब 3040-50 मीटर के आसपास, ठीक ठाक ऊंचाई है। चलो आगे आने वाले जर्नी के लिए एक्लिमेटाइजेशन में भी काम आ जाएगा। बस यूं ही 4-5 किलोमीटर तक जाएंगे, उसके बाद यू टर्न मार के वापस भदरवाह की तरफ। और भदरवाह की तरफ एक और जगह है गुल्ली डंडा, जो कि बचपन में खेला करते थे ना, वो जगह देखेंगे अगर टाइम बचा तो। ओहो भाई यार, ये जगह तो जन्नत है भाई, जन्नत है ये जगह, अद्भुत यार, सच में ये जगह है, अद्भुत है। मुझे नहीं पता GoPro इस नज़ारे के साथ कितना न्याय कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैमरा इसके साथ ये न्याय कर सकता है। जो आपकी आंखें दिखाएगी ना, कभी भी कोई कैमरा नहीं दिखा सकता। लेकिन यार मुझे तो ना चंबा तक जाने का मन कर रहा है कि वापस, लगता है चंबा जाऊं, चंबा से फिर वापस आ जाऊं, पूरा रास्ता ऐसा ही सुंदर होगा। अगर सवेरे थोड़ा जल्दी निकलता तो मैं चला भी जाता। चलो अब यहाँ से यू टर्न, वैसे लोभ करते रहूँगा तो बहुत लंबा चला जाऊँगा, इसलिए ज़्यादा नहीं देखते, यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न। चल बेटा यू टर्न ले ले। भाई लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से हो आप लोग? आप लोग कहाँ से हो? भदरवाह से। अच्छा अच्छा सही है, बस बस सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलो चलो तो थैंक यू, ओके एंजॉय। हाँ हाँ एंजॉय भाई, बाय बाय। यार रास्ते थोड़े से खतरनाक हो गए हैं अभी बारिश के बाद, और दूसरी बात दो धुंध लगी है ना, उसमें कुछ दिखना नहीं, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, बस पत्थर ऊपर से आके सर पे न गिर जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये है ना, अब इतनी धुंध हो गई है कि सामने 10 मीटर से आगे कुछ दिख नहीं रहा, 10 मीटर भी कहाँ, 10 फुट बोलाओ, 10 फुट से आगे कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ से पत्थर गिरने वाला है, कैसे दिखेगा, नहीं दिख सकता यार, चलते जाओ। ये इतना दूर के हिस्से में पानी पानी ही भरा पड़ा है रोड पे, लद्दाख की प्रैक्टिस हो रही है भाई। वैसे अब लद्दाख में भी इतना ऑफ रोड नहीं रह गया है ज्यादा कहीं। आहा पत्थर बड़े बड़े हैं, उछल जाती है बाइक। मैं जानबूझ के पानी में लेके जा रहा हूँ। सो भाई हम आ गए पादरी से नीचे और अब जा रहे हैं गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा देखने, खेलने नहीं जा रहे। रोड तो इधर भी बहुत बढ़िया बना रखा है, आप देख सकते हो।
अरे यार पहाड़ों में जो ऐसे ऐसे घर बने होते हैं ना, इधर उधर, कोई एक घर इधर कोई एक घर इधर, बड़े प्यारे लगते हैं और कलरफुल होते हैं। भैया ये गुल्ली डंडा के लिए एक ही रास्ता है ना, सीधा सीधा चले जाएंगे ना। सॉरी यही वाला है। अच्छा ओके थैंक यू। कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से। गुजरात से आए हो? हाँ। फिर से निकलना है? नहीं नहीं मैं भदरवा में रुका हुआ हूँ, ऐसे घूम रहा था खाली। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप घूमते घूमते कठुआ पहुँच जाओगे सामा। अच्छा हाँ जम्मू भी पहुँच जाओगे घूमते घूमते। नहीं नेचुरल ब्यूटी है क्या आपको? मुझे तो वापिस आना है थोड़ी देर बाद, मन नहीं करेगा आपका वापस आना। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है सर। यार क्या गजब की खूबसूरती है। तो यार आप गुल्ली डंडे के रास्ते पे जैसे ही दो चार किलोमीटर मुश्किल से आगे बढ़ोगे ना, आपको रोड के दोनों तरफ ये वाले वाइल्ड फ्लावर ऐसे वाले पूरे रास्ते खिले हुए मिल रहे हैं। क्या गजब की खूबसूरती लग रही है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल, बहुत सुंदर भाई, ये तो एकदम से अद्भुत है, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हर तरफ खिले हुए हैं भाई, देखो ऊपर तक एकदम कैसे खिले हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई भाई। यार कितना सच में बहुत खूबसूरत, एक फोटो लेना बनता है यहाँ पे, जबरदस्त रहा यार आज के दिन तो भाई, यादगार रहेगा एकदम। नेचर 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 चारों तरफ, ओहो हो भाई देखो यार, ये अपने आप नहीं खिले हैं, मुझे लगता है लगाया है इसको भाई साहब, क्या है ये। क्या तोड़ क्यों रहे हैं इसे लोग, वाह ऐसा कुछ मैंने आज तक नहीं देखा, लिटरली सच बताऊं मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। अमेजिंग यार अमेजिंग, ओहो भाई साहब। सो भाई ऐसे नज़ारों से भरा पड़ा है भदरवा से गुल्ली डंडा का रास्ता, इस तरह के फ्लावर्स आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे, पूरे रास्ते आपको रोड के दोनों तरफ, अभी पीछे दोनों तरफ मिल जाएंगे भाई साहब, गजब है ये जगह यार। मेरा तो मतलब यूँ बताओ ना, मेरा दिल जीत लिया इस फ्लावर ने, पूरे रास्ते यार मिलते हैं ऐसे, ये किसी ने लगाए हैं या खुद से उगते हैं ये मुझे नहीं पता, मैं किसी से पूछूंगा इसके बारे में डिटेल्स में, लेकिन यार कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये रोड इधर इधर खड़ी है अपनी बाइक, वाह शानदार यार शानदार। इस पूरे ये जो पूरा एरिया है ना इसे ही गुल्ली डंडा बोलते हैं एक्चुअल में। इस जगह का नाम मतलब जो असली नाम है ना वो गोरदंडा है, और ये बोलचाल की भाषा में बिगड़ते बिगड़ते गुल्ली डंडा हो गया है, गोरदंडा से गुल्ली डंडा वही गुल्ली डंडा जो बचपन में खेला करते थे। आगे भी एक दो कोई व्यू पॉइंट जैसे शायद बने हुए हों, तो थोड़ा दूर आगे जाएंगे देखेंगे और फिर वापस, यही तो है भाई नज़ारे। और ये है भाई इस जगह की खूबसूरती, जिसे जितना भी निहारो कम लगेगा।
वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे एक साथ टेबल वगैरह लगा हुआ है, थोड़ी देर बैठेंगे, ऐसा होगा तो एक और चाय पी लेंगे और फिर निकल लेंगे वापस अपने होटल। बनी 47। तो यार ये रोड ना सीधा कठुआ निकल जाता है, हालांकि अभी पूरा रास्ता बना नहीं है, मतलब जैसा कि वो चाचा जी बता रहे थे 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता ना बहुत ख़राब है, बाकी पूरा रास्ता बढ़िया बना हुआ है। सो भाई ये है गिल्ली डंडा, गुल्ली डंडा ये है वो जगह, और यहाँ पे कुछ नोमैड्स लोगों के टेंट वगैरह लगे हुए हैं जो चाय मैगी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। जगह बहुत प्यारी है, हालांकि थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पे, लेकिन अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हो तो बेस्ट जगह है आपके लिए। हर तरफ खूबसूरती आपको एकदम दिखेगी, बिल्कुल नेचर और अनटच ब्यूटी है यहाँ पे। अभी कमर्शियलाइज नाम के कुछ है नहीं, कोई भी परमानेंट दुकानें घर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारे हट हैं वो नोमड लोगों के हैं, वो अभी कुछ दिन तक यहाँ पे रहेंगे 2-4 महीने, और फिर जैसे ही बर्फ़ गिरना शुरू होगा तो फिर यहाँ से वो चले जाएंगे वापस, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तगड़ी वाली बर्फ़ गिरती है। गुल्ली डंडा, और अब समय आ गया है यहाँ से वापस जाने का, यहाँ से चलते हैं अब वापस। अभी तो थोड़ी सी धूप निकल गई है, अभी थोड़ी सी पहले देर धुंध फैली हुई थी चारों तरफ, अभी फिर से यहाँ पे निकल गई है धूप, तो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा और पहुँचते हैं सीधा भद्रवाह अपने होटल में। एक बार देख लो चारों तरफ व्यू, बादल ग्रीनरी बड़े ही खतरनाक है यहाँ पे, हरियाली इतनी ज़बरदस्त है आपका मन खुश हो जाएगा। देख लो मेरे पीछे, और ये सारे के सारे कैंप टेंट वगैरह जो हट वगैरह हैं सारे नोमैड लोगों के हैं, तो यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी मैगी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं सीधा भद्रवाह। बाय 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 करो, हाँ चलो ओके बाय। सो भाई ये था गुल्ली डंडा, सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने आंखों में आ रही है, दिख नहीं रहा कुछ। यार ऐसी जगह की प्राकृतिक खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए आओ, यहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह नहीं है कि ये पॉइंट देख लिया वो पॉइंट देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक जगह है और यहाँ से आप प्राकृतिक नज़ारों को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो प्रकृति कितनी खूबसूरत हो सकती है। देखो आप, आपके सामने है, मैं क्या बताऊं, आप खुद देखो और फैसला करो आपने पॉइंट एंजॉय करने हैं या प्राकृतिक नेचर देखना है। विंटर्स में आओगे तो यहाँ पे आपको हर जगह सफेदी मिलेगी, जबरदस्त बर्फ गिरती है यहाँ पे, और ये जगह है करीब 3000 मीटर की हाइट पे है, ये भी पादरी पास के जितना ही, थोड़ा सा उससे कम है, 100 मीटर के लगभग, और ये रास्ता सीधा कनेक्ट करता है कठुआ को। बीच का 10-20 किलोमीटर का रोड ख़राब है, बाकी सब A1 रोड, बीच में भी काम चल रहा है तो वो जल्दी ही बन जाएगा। ये सारी जानकारी मुझे नोमैड्स ने दी, और नोमैड्स का जो हट सा जहाँ पे मैं बैठ के मैंने एक आमलेट खाया, एक चाय पी और काफ़ी सारी बातें की।